सूरत में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश कुमार दलाल की निर्विरोध जीत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है और इसे संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम बताया। सूरत में रविवार को कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो जाने के बाद सोमवार को बीजेपी को छोड़कर अन्य सभी उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके चलते बीजेपी उम्मीदवार मुकेश कुमार दलाल बिना लड़े ही जीत गए। ऐसे में अब राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे तानाशाह की असली सूरत बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। बता दें, गुजरात की सभी 26 सीटों के लिए 7 मई को मतदान प्रस्तावित है, लेकिन सूरत सीट का नतीजा पहले ही आ जाने के कारण अब उस दिन 25 सीट पर मतदान होगा। सूरत जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार दलाल को छोड़कर सूरत लोकसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले सभी 8 उम्मीदवारों ने अंतिम दिन अपना नाम वापस ले लिया, जिनमें 4 निर्दलीय, 3 छोटे दलों के और बहुजन समाज पार्टी के प्यारे लाल भारती शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि रविवार को निर्वाचन अधिकारी ने सूरत सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में प्रथम दृष्टया विसंगति होने के बाद रद्द कर दिया। कुंभानी का नामांकन रद्द होने के बाद पार्टी के वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले सुरेश पडसाला का नामांकन पत्र भी रद्द कर दिया गया था। कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया था कि कुंभानी का नामांकन बीजेपी के इशारे पर रद्द किया गया। पार्टी ने कहा कि वह इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। कांग्रेस ने मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी दर्ज कराई है। एक बहुत ही विचित्र उल्लंघन देखा हमने, जो सिर्फ गैर कानूनी हस्तक्षेप और गलत रूप से दुष्प्रभाव डालने वाला हस्तक्षेप है। हमने कैसा ऐसा कभी सुना नहीं, कभी हुआ नहीं। मैंने अंदर माननीय आयोग को जेम्स बॉन्ड की कहानी बताई कि पहली बार तो तुक्का होता है, दूसरी बार कोइंसिडेंस होता है, अगर वही चीज़ तीसरी बार हो तो उसको शत्रु का एक्शन कहा जाता है। सूरत में ये बात बारंबार हुई है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये शत्रु का एक्शन है। क्या हुआ, एक साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं हैं। चुनाव के एक दिन पहले ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय तक जो कैंडिडेट है सूरत से वो भी लापता होते हैं, मिलते नहीं हैं। अब सबसे रोचक, जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से, सब विड्रॉ कर जाते हैं। ये ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। सूरत का कैंडिडेट इतना प्रभावशाली है कि कोई उसके विरुद्ध खड़े होकर तैयार नहीं। खड़े होने के बाद, नामांकन पत्र भरने के बाद, तो इसलिए हमने कहा है चुनाव आयोग से कि ये आपने चुनाव के धरातल को नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, समतल ज़मीन नहीं छोड़ी है। ये चुनाव पिटिशन का मामला नहीं है, इसमें आपका एक ही हल है। ऐसे कारनामों का फ़ायदा ना उठा पाए कोई, इसलिए अति आवश्यक है कि आप स्थगित करें चुनाव सूरत में और चुनाव की नई तारीख दें, जिससे ये संदेश बड़ा स्पष्ट जाए कि अगर मैं इस प्रकार के दुष्प्रभाव से इनको इफेक्ट करता हूँ या इनको इफेक्ट करता हूँ, वोटर हो या कैंडिडेट हो, उसका फ़ायदा मैं नहीं ले सकता। इसलिए इस चुनाव को स्थगित करने की हमने मांग की। बता दें, इससे पहले बीजेपी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सूरत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला कमल भेंट किया है। मैं सूरत लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं। बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 सीटों पर जीत हासिल की थी।